हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड का यूनिट 8, एनिमल लाइफ, यानी जानवरों की जिंदगी के बारे में। एनिमल अराउंड अस, एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं, क्या करते हैं, उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। ठीक है, तो आज हम मेरे साथ लर्न करो। वी सी मैनी काइंड ऑफ एनिमल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव बॉडी पार्ट्स लाइक अस, यानी एनिमल्स को भी हमारी ही तरह बॉडी पार्ट्स होते हैं। मोस्ट एनिमल हैव अ हेड, बॉडी, लेग्स एंड टेल्स। मोस्ट टाइम वॉक इन अराउंड वॉक विद देयर फोर लेग्स, यानी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हाथ, पैर, मुंह, पेट, दो हाथ दो पैर, और वो अपने चारों पैरों से चलते हैं। तो ऐसे प्राणी भी होते हैं। सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड एंड टर्टोरियस हैव अ शॉर्ट लेग्स, यानी टॉर्टोइस और छिपकली को छोटे छोटे पैर होते हैं। वो होते तो बहुत बड़े हैं, लेकिन पैर उनके काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है सम एनिमल्स लाइक स्नेक, स्नेल एंड अर्थवॉर्म हैव अ नो लेग्स, यानी सांप, स्नेल यानी जो आप बारिश में देखते हैं ना, केचुआ छोटा छोटा, वो उन सबको पैर ही नहीं होता है। वो बिना पैर के चलते हैं, वो अपने स्टमक से ऐसे ऐसे रेंगते हैं। ठीक है, सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग टर्टल एंड क्रोकोडाइल लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी कछुआ हो गए, मेंढक हो गए और मगरमच्छ हो गए, ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। लिव्स ऑन लैंड यानी ना इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ना ही इनको ज़्यादा ज़मीन पर, दोनों के बीच में बराबर बराबर पे। सम एनिमल्स लाइक अ फिश लिव्स ओनली इन वाटर, यानी मछली सिर्फ और सिर्फ पानी में रहना चाहती है। अगर उसे आप पानी से थोड़ा सा ही बाहर निकालोगे, within 2 and 3 minutes में वो डेड हो जाएगी, वो मर जाएगी। तो उसे केवल पानी में ही रहना उसके लिए सही होता है। They can't live if they are take out of water, यानी आप जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है ना, तो वो रानी है मछली जल की। सो जल से बाहर निकालोगे तो बेचारी मर जाएगी। Birds have a 2 wings and 2 legs. They also have a 4 feathers and tails. यानी birds को 1 head होता है, 2 wings होते हैं यानी पंख, 2 legs होते हैं यानी 2 पैर, the feather यानी उन्हें पंख भी होते हैं ताकि वो हवे में उड़ सके। Most birds can fly, some birds like duck can swim in water, यानी बहुत सारे birds ऐसे होते हैं ना, जो birds तो होते हैं लेकिन वो पानी में रहते हैं, वो उड़ नहीं सकते। जैसे डक ओनली सी वाटर, वो केवल पानी में रह सकती है। ठीक है, इंस्टेंस आर स्मॉल एनिमल्स विद 6 legs, मोस्ट इंस्टेंस हैव विंग्स एंड कान फ्लाई, यानी बहुत सारे इंस्टेंस यानी जैसे मूंगी हो गई, कॉकरोच हो गया, मच्छर हो गए, मकड़ी हो गई, इन सबको बहुत सारे पैर होते हैं, जैसे किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10, और उन्हें पंख भी होते हैं। लेकिन पंख होने के बावजूद कुछ कुछ उड़ नहीं पाती हैं, और कुछ उड़ पाती है तो इतना कम उड़ती है कि वो सीधे आके ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाए। एनिमल मेक अ साउंड, वी हर हेड ब्रेक, वी नो दैट डॉग्स नियर बाय द लेफ्ट फाइंड आउट द साउंड्स ऑफ डिफरेंट एनिमल। ओके, द एनिमल साउंड यानी यहाँ पे हमें बता रहा है कि एनिमल्स कितने तरीके के होते हैं, उनके आवाज़ कैसे होते हैं। जैसे लायन एंड टाइगर रॉ, लायन एंड टाइगर रॉ, शीप एंड गोट्स बेल्टेड, एलिफेंट्स ट्रम्पेड, मंकी चार्टेड, क्रॉस काउ काउ, कैट्स म्याओ, हंस क्लॉक, बर्ड्स चिरप, पिग्स रॉकेट, डॉग्स क्वैक क्वैक। तो इस तरह से कुछ हमारे एनिमल्स के साउंड्स होते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, एनिमल अराउंड अस। ओके, तो यहाँ पे 4 legs के, यहाँ पे
लेग्स होने के बाद भी कितने छोटे छोटे लेग्स होते हैं उनके बारे में, और यहाँ पे जिनको लेग्स ही नहीं हैं जो अपने रेंग रेंग के चलते हैं जिसे हम अर्थ वॉर्म कहते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर है आंसर इन वन वर्ड, विच एनिमल वुड यू लाइक टू कीप एज अ पेट। अब अगर आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपको अपने घर पे पालतू प्राणी कौन सा चाहिए जिसे आप पाल सको, तो पालने के लिए लोग डॉग, कैट, रैबिट ये सब पालते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है डॉग। विच एनिमल हैव टू विंग्स एंड टू लेग्स। बर्ड्स, बर्ड्स हैव अ टू विंग्स एंड टू लेग्स। तो यहाँ पर आंसर आएगा बर्ड्स। वेयर डूज द फिश लिव। अ फिश कहाँ रहती है? सम एनिमल लाइक अ फिश लिव्स ओनली इन वाटर। तो यहाँ पर आंसर आएगा वाटर। नेम द फॉलोइंग इंस्टेंट दैट कैन फ्लाई। यानी जैसे 8, 10, 12 पैर होने के बाद भी ये फ्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एंट एंड कॉकरोच। बर्ड्स यू सी अराउंड अस। अब आप अपने पास ज़्यादातर किस बर्ड्स को देखते हैं? तो मैं तो ज़्यादातर अपने अराउंड में क्रॉ और पीजन यानी कबूतर और कौवे को देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है क्रॉ एंड पीजन। अब यहाँ पर है जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये क्या है? जिराफ। तो यहाँ पर जिराफ कहाँ पर है? ये रहा, तो आप यहाँ पे जिराफ लिखें। ये है डियर, तो यहाँ पर है डियर। ये है जेब्रा, यहाँ पर है जेब्रा। यह है कंगारू, यहाँ पर लिखा है कंगारू। यह है लायन, यहाँ पर है लायन। तो इस तरह से ये हो चुका है हमारा एनिमल्स का चैप्टर कंप्लीट, एनिमल अराउंड अस। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कमेंट में बताइए कि हाँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय।